ऑपरेशन हमने पहले भी पढ़ा, फोर ऑपरेशन हमने प्लस माइनस पढ़ा था, ठीक है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन क्लियर, फोर ऑपरेशन में अगर टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, इन बिटवीन देयर इज नो साइन, यहाँ पर साइन नहीं है, इसके मतलब ये हुआ नेगेटिव टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, ठीक है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, ये देख लो दो ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब थ्री टाइम टू इज सिक्स, और ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस, हमारा आंसर आ गया माइनस, ठीक। नंबर वन, नंबर टू, नाउ लुक हियर अनदर एग्जांपल, फोर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव सिक्स, ठीक है, फोर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव सिक्स, मैंने पहले बताया था कि जब दो ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन ना हो उसको हम मल्टीप्लाई समझेंगे, इन दो के दरमियान, इन दो ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स, ठीक है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं है, फोर के पहले फोर के लेफ्ट हैंड पर कोई साइन नहीं है, उसको हम प्लस समझेंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस ऑफ सिक्स टाइम फोर इज 24, ये हमारा आंसर हो गया। अनदर एग्जांपल लुक हियर, negative 4 multiply by negative 7, see that, negative 4 multiply by multiply क्यों कहेंगे, हमने उस multiply क्यों कहा, तो यहाँ पर कोई sign नहीं है, दो bracket के बीच में कोई sign नहीं है, लिहाजा उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं negative 4 multiply by negative 7, ठीक, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, सेवन टाइम फोर इज 24, तो 24 आंसर इज 24। लुक हियर, सी एक्स नेगेटिव नेगेटिव फोर, ठीक है, ये सिक्स लेफ्ट हैंड पर साइन नहीं है, लिहाजा ये सिक्स पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे को ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है, इनसाइड ब्रैकेट क्या है, ये भी नेगेटिव, तो हमने क्या किया, यहाँ देखो कि हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव फोर, ठीक है, तो ये हो गया आंसर 10। इसके बाद हम चलते हैं डिवीजन, ठीक है, डिवीजन डिवीजन, ठीक है। अब मैं आपको सम बेसिक रूल बता रहा हूं, बेसिक रूल क्या है, नाउ लुक हियर, negative divided by negative is equal to positive, negative divided by positive is equal to negative, positive divided by negative is equal to negative, positive divided by positive is equal to positive, ये है basic rules, जैसे हमारे multiplication में होता है same rule यहाँ पर, 45 divided by माइनस नाइन, 45 डिवाइडेड बाय माइनस नाइन, अभी हम इसको ऐसे डिवीजन नहीं है, तो हमने क्या किया
45 divided by -9. Now look here, 45 क्या है? Positive. R positive divided by -. Positive divided by -. Look here, positive divided by -. तो क्या आ गया ये? -5. हमारा आंसर क्या आएगा? -5. ठीक है, positive divided by -5. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, -45 divided by 9. ठीक है, नेगेटिव ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है यहां देखो, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो -5 हमारा आंसर क्या है? -5. एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मैं ये कहूँ कि -63 divided by -7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -63 divided by -7, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा, तो नाम लुक किया, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? -63 upon -7, जो हमने पहले बताया था आपको रूल में, देखो बेसिक रूल में, negative divided by negative is positive, पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है, क्योंकि हमने पहले बताया था negative divided by negative is positive, और 7 times 9 is 63. Positive 9, you can write down also 9.